ठीक है, अपना पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी का बैलेंस चल रहा था, उसके आगे बढ़ते हैं। संयोजकता, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं संयोजकता में। ठीक है भाई, समझने की बात होती है बस। ठीक, अब समझने की बात ये है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि FeCl2 और FeCl3 में क्या होनी चाहिए, सोचो। समझ आ गया, FeCl2 में Fe की संयोजकता कितनी बच्चों, 2, क्योंकि Cl की संयोजकता कितनी होती है बोलो, Cl की संयोजकता कितनी होती है, 1। और जब Cl की संयोजकता 1 होती है, ध्यान देना, Cl की संयोजकता यदि 1 होती है तो कितने Cl जुड़े हैं इसमें, यानी Fe की संयोजकता क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। आ गया समझ में, Fe की संयोजकता 2 होनी चाहिए और यहां पर Fe की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 3। हो गया क्लियर सबको। अब बताओ यहां पर आयरन क्या कर रहा है, यहां पर आयरन क्या कर रहा है, दो टाइप की संयोजकता दर्शा रहा है। आयरन कितने टाइप की संयोजकता दर्शा रहा है, 2। और जो दो टाइप के अलग अलग संयोजकता दर्शा रहा है तो इसे तुम क्या बोलोगे भाई, Na में तो तुमने ऐसा नहीं पढ़ा, जरा फिर से देखो, Na में तुमने ऐसा नहीं पढ़ा, Na ऐसा पढ़ा क्या तुमने, बताओ जल्दी, ऐसा पढ़ा क्या तुमने, नहीं पढ़ा। इसका मतलब हमारा जो सोडियम है वो परिवर्ती संयोजकता बोलो नहीं दर्शाता, बात क्लियर। तो बच्चों ध्यान से सुनना, प्रथम समूह और द्वितीय समूह, नहीं दर्शाते। आपने NaCl तो पढ़ा है पर NaCl2 नहीं पढ़ा है। अगर आप NaCl2 पढ़े होते तो आप बोलते सर सोडियम की संयोजकता 1 और यहां पर 2 है, पर ऐसा नहीं है। तो क्या लिख दिया मैंने बोलो, फर्स्ट समूह और सेकंड समूह परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाते। फर्स्ट समूह में क्या आता है इसको मालूम, फर्स्ट समूह में क्या आता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, याद है ना। और सेकेंड समूह में क्या आता है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्थियम और बेरियम। तो यार ये तो तुम्हें मालूम है, 10-10 बार लिख दिए हैं, पर ये कभी भी परिवर्ती संयोजकताएं दर्शाते नहीं है, तो ये एक बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो आयरन की संयोजकता आप कितनी देख रहे हो, 2 टाइप, एक 2 देख रहे हो और दूसरी 3 देख रहे हो। तो यहाँ पे फटाफट ये पॉइंट लिखिए, फिर ये पॉइंट आपने लिखना है। क्वेश्चन ये है, बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट, फर्स्ट समूह और सेकंड समूह कभी भी परिवर्ती संयोजकताएं नहीं दर्शाता। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप तक, क्लियर, ठीक। अब बच्चों कभी स्टेटमेंट आ जाए कि फर्स्ट और सेकंड समूह परिवर्ती संयोजकताएं नहीं दर्शाता तो बिल्कुल 100% करेक्ट, ये नहीं दर्शाता। लेकिन आपको, अब बात कर रहा हूं मैं डी ब्लॉक की, लिख लिया था क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन लिख लिया। इस क्वेश्चन से हमको ये बात समझ आ रही है कि आयरन में दो प्रकार की संयोजकताएं मिल रही हैं, प्लस टू भी, एक टू भी मिल रही है और एक थ्री भी मिल रही है। तो बच्चों तो डी ब्लॉक के तत्व, अब अगला, अब समूह कौन सा शुरू हो रहा है, फर्स्ट के सेकंड के बाद कौन सा समूह होता है जल्दी बताओ, और थर्ड समूह को किस, थर्ड समूह में क्या आ जाते हैं बताओ जल्दी। डी ब्लॉक कहां तक जाते हैं, 12 तक। तो बच्चों अगली बात देखो ध्यान से, तीसरे समूह, अभी आगे पेन नहीं चल पा रहा है, तीसरे समूह से 12वें समूह तक क्या होते हैं, डी ब्लॉक तत्व होते हैं। बच्चों आप फिर से ध्यान देना, तीसरे समूह से 12वें समूह तक डी ब्लॉक तत्व होते हैं, ये तो होते हैं, और डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। लिखिए डी ब्लॉक डी ब्लॉक परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती का मतलब कभी एक हो गई, कभी दो हो गई, कभी तीन हो गई, कभी चार हो गई, पांच हो गई। अपन सोच रहे थे कि भैया दो है वो तीन भी शो करने लगा, वो चार भी शो करने लगा, समझ गए, तो ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाने लगे। तो डी ब्लॉक के तत्व, ये क्वेश्चन आया, फिर मैंने क्या सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको संयोजकता इतना पढ़ाया है तो इनके बारे में और मैं बतला दूं ताकि आपको बात क्लियर ही हो जाए। तो बच्चों डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब अगला क्वेश्चन कि भैया परिवर्ती, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं तो डी ब्लॉक तत्व। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्यों दर्शाते हैं, ये क्यों दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते क्यों हैं, क्यों, इसका आंसर कोई देगा, इसका आंसर देगा कोई, आगे बढ़ा दिया अपन ने यहां तक लिखा। कोई क्वेश्चन पूछे एस ब्लॉक तत्व, ये एस ब्लॉक के तत्व है फर्स्ट और सेकेंड, क्या परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं दर्शाते, यहाँ पे एस भी लिख लेना, लेकिन यहाँ आप बोलोगे दर्शाते हैं। अब बताओ दर्शा क्यों रहा, क्यों दर्शाता है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि एनएस एवं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में एन ए एवं एन माइनस वन डी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, समझ गए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिखिए इसको याद करिए। एनएस और एन माइनस वन डी, एनएस और एन माइनस वन डी अंतिम कोष
और अंतिम कोश के अंदर वाला कोश, बच्चों देखना, अंतिम कोश और अंतिम कोश के अंदर वाला कोश, इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। आ गया समझ में? इसलिए यदि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहां से भी निकल जाते हैं और इस कारण से परिवर्ती संयोजकता दर्शाने लगते हैं। आंसर याद हो गया ये पहला? अब इसको समझते कैसे, ये देखो, उदाहरण ले रहा हूं मैं, पहले उदाहरण आयरन का ही लेते हैं अपन। देखो आयरन का उदाहरण लेते हैं, एफ का क्या होता है, 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s। अब पूरा नहीं लिखा, आप से जानते हो ना यार, ठीक है, पढ़ चुके हैं। तो ये आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6, 4s, सब जानते हैं ना। अब जरा देखो ये कौन सा हो गया, n, ये हो गया n, और ये अंदर n-1d, n का वैल्यू कितना बेटा, 4 और 1 कम 3, तो n-1d हो गया। तो ये आपका हो गया कौन सा, n-1d, और ये आपका हो गया कौन सा, ns। बात क्लियर हो गई? अब क्या होता है, यदि ये दो इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं, ये दो, तो Fe2 बन जाता है। ये देखिए, ये दो भाग ले रहे हैं तो Fe2 बन गया। आ गया समझ में? और यदि ये दो निकल जाए, ये दो और इसका यहां का एक निकल जाए, ये यहां 1, 2, 3 ये, यदि यहां का एक और निकल जाए, इसकी और इसकी ऊर्जा में अंतर कम है, तो कभी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाते हैं तो ये बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन यदि यहां से कोई सा निकल जाए तो क्या बन जाएगा, बोलो, FeCl3। बोले सर और क्यों नहीं बन रहे, तो फिर और इसलिए नहीं बनेंगे कि यहां पर नाभिकीय आवेश तो बढ़ता जाएगा ना, तो या तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहां से, और थोड़ी और ऊर्जा दोगे तो क्या निकल जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहां से कोई सा भी निकल जाएगा, कोई सा भी निकल जाएगा। आ गया समझ में? तो अब ये क्यों निकल गया जी, इससे पूछे तो ये बोलेगा साहब मेरी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए मैं भी निकल गया। तो अब बताओ क्या हो गई, यहां पर संयोजकता कितनी हो गई बच्चों, और यहां पर कितनी हो गई, समझ आ गई बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आपको नीट में आया है ये स्टेटमेंट, और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस स्टेटमेंट को फिर से इससे समझा दिया, आपको अच्छे से बात समझ आ गई होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये स्टेटमेंट संयोजकता के लिए। अब इनमें भी एक्सेप्शन है, उनको ध्यान देना है। तो बच्चों स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम, यट्रियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे क्या आता है आपका, यट्रियम 39, लैंथेनम और एक्टिनियम, ये बहुत ध्यान से बात को समझना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 3d1 4s2 आएगा, इसका लिखोगे
ये आएगा। सबके इलेक्ट्रॉन विन्यास एक जैसे हैं कि नहीं? देखो, अरे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास आखिरी कोष में समान होगा। एक ही फैमिली के मेंबर के सबके सरनेम समान होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये एक ही फैमिली के मेंबर है, कौन सा समूह है बताओ जल्दी। है? अरे तीसरा समूह यार, तुम मालूम पूरी पीरियाडिक टेबल को 10 बार पढ़ के रख डालो, ठीक है, मैं पूछूं कौन सा समूह तो तुरंत एकदम यार ये 1 और ये 2 कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अरे बताओ कौन सा समूह हो गया, ठीक है, समूह तीसरा है। आपको अभी कौन सा क्वेश्चन आया? यही वाला अभी आपको क्वेश्चन ये आया ना यार, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4S1 है, ये किस समूह का मेंबर है? अभी अभी बताओ कौन सा समूह का मेंबर है ये, है छठवां समूह, 1A 5A कितना हो गए? अरे जब ये 1 और 2 से 3 हो सकता है तो ये 5 और 1 से क्या हो सकता है? मैं मालूम मारने लग जाऊंगा, डंडा रखूंगा तुम लोग के लिए। छठवां समूह अब भी आया है आपको यही क्वेश्चन, ये छठवें समूह का मेंबर है। ये सब समझा दिए, याद रहना चाहिए, कब कब याद करोगे बताओ? तो D1 2 का मतलब ये तीसरा समूह का मेंबर, और इसमें सभी में 3-3 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ध्यान से सुनना, इसकी और इसकी ऊर्जा में अंतर क्या होता है? अब भी लिखा, इसकी और इसकी ऊर्जा में अंतर क्या होता है? कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल जाता है, और जब यहां से निकले तो कितनी संयोजकता शो करना चाहिए, और यहां से निकले तो कितनी कर लेना चाहिए? 3 पर। ये ऐसी नहीं करता, अब ऊर्जा में अंतर कम नहीं होता, अब ऊर्जा में अंतर बहुत ही कम होता है। अरे कम में और बहुत कम में, समझ में आता अंतर? यार मेरे पास पैसे कम है, मतलब किराया मान लो 100 रुपए लग रहा है, तो तुम्हारे पास 95-97 रुपए हैं, थोड़े मेरे पास पैसे कम, ठीक है, बात समझ आ रही है? और मेरे पास पैसे बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब क्या हुआ? इतना कम डिफरेंस है कि 100 रुपए किराया लग रहा है, बहुत ही कम, मतलब अब तुम्हारे पास 99 रुपए 50 पैसे, ठीक है, 99 रुपए 50 पैसे है, किराया 100 रुपए लग रहा है, तुमने बस वाले से बोल दिया यार मेरे पास 99 रुपए 50 पैसे है, वो कहे बैठ जा यार 50 पैसे मैं मिला दूंगा, समझ आ गया अंतर? और अगर आपके पास 95 रुपए होते तो वो ये बोलता कि मैं मिला नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ मैं तेरे को पहचानता हूं, तू आता जाता भैया, अगली बार आए तो दे देना, अंतर समझ आ गया? तो वहां पर आपको ऊर्जा का अंतर कम था, ठीक है, और यहां पर ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम है, तो इतना कम है कि ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये भी साथ में निकल जाता है, साथ ही बोले चलता हूं मैं भी, ठीक है, 50 पैसे का अंतर है, बोले मैं ही दे देता हूं तेरा किराया, समझ आ गया? इतना कम अंतर है ऊर्जा का। तो बच्चों ये परिवर्ती संयोजकता पर नहीं दर्शाएगा, नहीं तो आपने मन में क्या आ जाता, उन्होंने कहा यार 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 दर्शाने लगा, फिर 1 और निकल गया तो 3 दर्शाने लगा, तो ये काट दिया मैंने, ना ये 2 दर्शाता, ना मतलब 2 और 3 नहीं दर्शाता, केवल क्या दर्शाता है? केवल 3 संयोजकता दर्शाता है, केवल 3। मेरी बात समझ आ गई? बोलो, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये रुकता ही नहीं है, इतना कम अंतर है कि ये भी निकल जाता है, तो अब बोले तू जा रहा है तो मैं भी चल रहा हूं, ऊर्जा का अंतर इतना कम है कि आपको 2 अलग अलग अवस्थाएं नहीं मिली, मतलब 2 और 3 अवस्था नहीं मिली, केवल क्या मिलती है बोलो? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर ये डी ब्लॉक तत्व है, ये डी ब्लॉक तत्व होते हुए भी परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाते, ये लिख दिया डी ब्लॉक
बच्चों बहुत अच्छे से सुन लेना, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक तत्व होते हुए भी जोर जोर से चिल्लाओ परिवर्ती संयोजकता नहीं डर पाते, ठीक है, क्योंकि क्योंकि एनएस एवं एन माइनस वन डी ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, बहुत कम, कम नहीं बहुत ही कम, और जोर दिया ही, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो मुझे लगता है अब इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एन माइनस वन डी कक्षा का एनएस के रिस्पेक्ट में इतना कम अंतर है कि इलेक्ट्रॉन दोनों ही, दोनों ये और एक, तीनों साथ साथ निकल जाते हैं, तीनों साथ साथ निकल जाते, लिख लो, तीनों ही साथ साथ निकल गए तो केवल क्या दर्शाएगा बताओ। यहाँ क्या लिखा, यहाँ देखो वर्ड, अरे केवल का मतलब मालूम है, केवल माने ठीक, तो केवल तीन दर्शाते हैं, दो और तीन नहीं, केवल तीन संयोजकता दर्शाते हैं, वेरिएबल नहीं है। हिंदी अच्छी आनी चाहिए, जो लोग ये बोलते हैं कि साइंस पढ़ने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है, वो कंपटीशन की दृष्टि से गलत बोलते हैं, ठीक है। जब हमारी कंपटीशन की दृष्टि होती है तो हमें भाषा अच्छी आनी चाहिए, शुद्ध आनी चाहिए उसका मीनिंग। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें अलंकार आना चाहिए, ठीक है, समास आना चाहिए, ये नहीं, मतलब एक जनरल शुद्ध भाषा आनी चाहिए। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन स्कैंडियम के लिए आपको एनसीईआरटी में दिया है, कहां पर दिया है, जब डी ब्लॉक का आप अध्ययन करोगे तो वहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, अब कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ स्कैंडियम डी ब्लॉक होते हुए भी परिवर्तित संयोजकता, तो तुम पहले ही बोल देना नहीं दर्शाता, ठीक है, आ गया समझ में क्या, कोई क्वेश्चन पूछे स्कैंडियम परिवर्तित संयोजकता तो पहले ही बोल देना नहीं दर्शाता, ठीक है, और क्यों नहीं दर्शाता, तो इसका आंसर क्या हो गया, जल्दी बोलो, एनएस और एन माइनस वन इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, अच्छे से बात क्लियर हो गई, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया, आप चाहो तो देख लेना, एक और जो है उसको समझना है। अब मैं इतना सोचने के बाद और आपको इतना सुचवाने के बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिंक का, कि जिंक परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है कि नहीं दर्शाता, ये बताओ, या क्वेश्चन है जिंक परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है या नहीं, बस ये आंसर देना तुम्हें, या तो दर है या नहीं, कौन सा आंसर करेक्ट है बताओ जल्दी, एकदम समझ आ जाना चाहिए यार, एकदम लिखा कॉन्फ्यूगरेशन जिंक का
सर्की होता है 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 4H2। ध्यान देना बच्चों, ये D10 है, और D10 का मतलब क्या होता है जल्दी बोलो, स्थाई। यार इतना स्थाई है कि ये कह रहा भाई दो इलेक्ट्रॉन मैंने बोल दिए ले जाओ, और क्या बना लो ZnCl2 बना लो यार, तुम दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो और क्या बना दो ZnCl2। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन अब नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं क्या है बहुत अधिक स्थायी विन्यास वाला हूं, तो आगे अब इससे नहीं निकाल सकते, केवल जिंक जो है वो केवल +2 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, दो बैलेंसी दर्शाएगा, तीसरी बैलेंसी नहीं दर्शाएगा। बोलो बात समझ आ गई अच्छे से? तो बच्चों जिंक परिवर्ती संयोजकता दर्शाता या नहीं, तो आंसर हो गया नहीं, नहीं दर्शाता। यह क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा चुका है। और क्यों नहीं दर्शाता, तो बोले दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, क्यों? आ गया समझ में सबको? तो रट डालो, स्थाई विन्यास होने के कारण यह तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। बोले सर आपने तो बताया था IE1, IE2, IE3, IE4 सब निकाल सकते हैं। अरे बच्चे निकाल देगा, पर कब? बहुत ज्यादा ऊर्जा दोगे और ऊर्जा देना बंद किया फिर खींच लोगे, खींच लेगा। जैसे तुम जब तक कि माँ बाप सामने ऐसे देख रहे हैं पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे ही वो ऐसे हुए बंद, मतलब जब तक ऊर्जा तुमको दी जाएगी तब तक वो +3 में रह सकता है, नॉर्मल अवस्था में नहीं, रूम टेम्परेचर पर नहीं। ये रूम टेम्परेचर पर रहेगा, ZnCl2 रूम टेम्परेचर पर रहेगा, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के ZnCl3 बनाओगे वो रूम टेम्परेचर पर नहीं रहेगा। आ गया समझ में? आया कि नहीं समझ में? तो यह जिंक भी जो होता है वह क्या नहीं दर्शाता, परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है। और यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों आगे आ जाए, तो इस तरह से हम बात को समझते हैं और मुझे लगता है इसमें कोई प्रेस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परिवर्ती संयोजकता की विद्या आपको आ जानी चाहिए, बाकी सब परिवर्ती संयोजकता दर्शाएंगे। और जैसे आपने सोचा कि भाई ये सब कौन से थर्ड ग्रुप के बाद, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8, 9, 10, 11 और 11 और 12, ये सब परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। समझ गए बच्चों? और कौन सा नहीं दर्शाता यहाँ पे? 12 वाला जिंक कैडमियम वगैरह, ये जिंक है फिर कैडमियम है, ये नहीं दर्शाते। और यहाँ पर स्कैंडियम वगैरह नहीं दर्शाते। आप क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? बंद करवा सर, वॉल्यूम किसी का आ रहा है, इसको बंद करवा। ये तारिका आपके यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है? समझ आ गया आपको?
क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो 4, 5, 6 बाकी सब दर्शाएंगे, ये नहीं दर्शाएंगे इसका कारण लिखवा दिया, और ये नहीं दर्शाएंगे इसका कारण भी लिखवा दिया आपको। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी क्वेश्चन आए तो कारण के साथ आप आंसर लिखें, तो आपको भूल नहीं होगी, गलत नहीं होगा। आ गया समझ में? अब एस ब्लॉक हो गए, पी ब्लॉक हो गए, ये डी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक के कुछ तत्व जो होते हैं, कुछ तत्व सभी नहीं, वो भी परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। अपन केवल एक उसका एक लाइन लिखेंगे और फिर उसको बॉन्डिंग के बाद समझेंगे। तो लिखिए अगला स्टेटमेंट, यहां देखो मैंने किस पे गोला मारा है, कुछ तत्व। पी ब्लॉक के कुछ तत्व, सारे नहीं, कुछ तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। इसका कारण पी ब्लॉक के कुछ तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, उसका कारण। अब आपको इसके काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं, बस उदाहरण से समझना। SN में SnCl2 है और SnCl4 हो गया, देखो ये दो हो गए, इसमें वैलेंसी कितनी है, और इसमें वैलेंसी बोलो 4। SnCl2 भी तुमने सुना है और SnCl4 भी सुना है तुमने, सुना है कि नहीं सुना? अब अगर नहीं सुना हो तो ये मेरी गलती नहीं है, 11th और 12th पास करके आ गए अपन ने, SnCl2 नहीं सुना, SnCl4 तो गलत बात हो जाएगी। तो अब सुन लो, SnCl2 भी होता है और SnCl4 भी होता है, ठीक है, PbCl2 भी होता है और PbCl4 भी होता है। ये क्वेश्चन तो आपको अभी आया है, ये क्वेश्चन इसके पहले आया है, ये सब आए हुए हैं, पर मैं इनको डिटेल रेडॉक्स में समझाऊंगा। यहाँ पर अपनी बात है केवल क्या, तो ये याद कर लेना। तो सबसे पहले उदाहरण याद करो और ये कारण याद करो, अक्रिय युग्म में प्रभाव वाला लिखो इसको। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन आए कि भाई पी ब्लॉक के कुछ तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, तो कारण बोलो, याद करना पहले क्या कारण है, आंसर दो, अक्रिय युग्म में प्रभाव। एक आध उदाहरण देखते हैं, यार उदाहरण में टिन ले लिया तुमने, टिन का SnCl2 भी बनता है और SnCl4 भी बनता है, SnCl2 में संयोजकता कितनी हो गई बोलो, दिख रही है सामने, 2 लगे और SnCl4 में 4। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, तो क्या ना, ये अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है, क्या आंसर। अब बोले ये क्या बला, ये भी तो समझा दो थोड़ी सी, तो ये आपको थोड़ा समझा देते हैं, तो आप एकदम बात क्लियर हो जाएगी ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इधर ये देखो बच्चों, टिन ये कार्बन समूह का मेंबर है, कार्बन पी ब्लॉक का चौथे समूह का मेंबर होता है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। क्या होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, 1s2 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन 2p2, ये देखिए 2s2 2p2 कितने हो गए, जरा काउंट करो कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया बोलो,
कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया, चौथे ग्रुप का मेंबर, और चौथे ग्रुप को आजकल क्या बोलते हैं, तो चार को ही 14 बोलते हैं, पांच को 15, छह को 16, सात को 17, आठ को 18, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p2, तो ये हो गया आपका ये, देखो यहां तक नहीं, यहां देखो ये इसमें ये इनर्ट हो जाता है, और इसमें ये बहुत ज्यादा इनर्ट हो जाता है, ये वाला ये बहुत ज्यादा अक्रिय हो जाता है। अक्रिय का मतलब क्रिया नहीं करना, बोले मुझे पढ़ना ही नहीं, कितने ही मार लो, समझ आ गया बात, समझ आ गई। तो ये बहुत ज्यादा अक्रिय है, ये अक्रिय है थोड़ा सा, ऐसा देखा मामा आपने पढ़ना शुरू, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये अपने आप पढ़ने वाला, ध्यान से सुनना, ये अपने आप पढ़ने वाला है, ये अपने आप पढ़ने वाला है, मतलब क्या हुआ, अपने आप रिएक्ट करने वाला है, अपने आप क्या बना लेगा बोलो, समझ आ गया। एक इलेक्ट्रॉन निकला सीएल ने लिया माइनस वन चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकले सीएल ने लिया माइनस वन चार्ज, दो सीएल ने दो इलेक्ट्रॉन लेके इस पर कितना आ गया जरा बोलो, और कितने सीएल जुड़ गए बोलो, और दो सीएल जुड़ गए तो वैलेंसी कितनी हो गई, केवल इन इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। थोड़ा सा ये उस टाइप का था, अपने आप नहीं पढ़ रहा था, थोड़ा मारा पीटा, ठीक है, पढ़ने लग गया, तो ये SnCl4 बन जाएगा, आ गया समझ में। तो यहां पर ये अक्रिय युग्म कहलाते हैं, इनको बोलते हैं अक्रिय युग्म, और ये बहुत ज्यादा अक्रिय होता है, इतना अक्रिय होता है कि आप जब तक आंख लगा के इसके सामने बैठे हो तब तक तो ये रहेगा, और जैसे ही आपने ऐसे किया बंद करके सो गया, मतलब जब ये अत्यधिक अक्रिय होता है, तो PbCl4 का बनना बहुत कठिन होता है, ये तुरंत टूट जाता है PbCl2 में, समझ आ गया, ये तुरंत इसमें टूट जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ SN में दो बैलेंसी है प्लस टू, मतलब टू और फोर, तो उसका रीजन क्या हो गया, ये अक्रिय युग्म प्रभाव, तो ये अक्रिय युग्म होते हैं, इनको बोलते हैं अक्रिय युग्म, ऐसा युग्म जो जबरदस्ती पीट पीट के काम करा के बॉन्ड बनाया जाए, उनको बोलते हैं अक्रिय युग्म। तो थोड़े ये अक्रिय होते, ये नहीं होते, ये नहीं होते, ये नहीं होते, ये बना लेते हैं बॉन्ड, समझ गए, ये बना लेते हैं बॉन्ड। तुमने CCl2 नहीं सुना कभी, CCl4 सुना है तुमने, समझ गए, बोले CCl2 सुना, इतना अस्थायी होता है कि तुरंत वो CCl4 बनाना चाहता है, तो तुमने CCl4 सुना, तुमने CCl2 नहीं सुना, इसीलिए कि ये अक्रिय नहीं है, ये कहता तू बना रहा बॉन्ड मैं भी बनाऊंगा, तो CCl4 बन जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तू बना रहा है मैं तो सो रहा हूं, तू बना रहा है मैं तो सो रहा हूं, समझ आ गया। तो ये बन गया SnCl2, थोड़ी पिटाई की थी तो ये भी बना लिया, मैंने ऊर्जा देने पे बनाएगा, तो ये अक्रिय। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, उसका कारण क्या हो गया, तो आंसर अक्रिय युग्म प्रभाव, ये मैंने लिख दिया, इसको ऐसे कैसे आप पढ़ लेना, फिर अपने को जब दोबारा अपन पढ़ेंगे, मैं कार्बन में ऐसे पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाऊंगा, ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ाऊंगा, तो कई बार पढ़ाऊंगा, वो अपने को याद हो जाएगा, लेकिन यहां पर इतना आपको आना ही चाहिए। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये क्वेश्चन PbI4 बनता नहीं है, अनस्टेबल है, क्यों है, यही कारण है, ये नीट में पूछा गया है, दो साल पहले ही आया है PbI4, लास्ट ईयर ये आया है Cu2I2 वाला, ठीक है, Cu2I2 वाला, तो ये आते रहते हैं, इसमें मतलब इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा है, तो मैं वहां पे समझाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ तुम्हें कारण समझा दिया है, तुम कारण को याद कर लो, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो कुछ चीजें यहां पर हमको याद करनी है,
और समझ आपको ये आनी चाहिए, ये लिख दिया है मैंने, ये कैसे होते हैं अक्रिय। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप संयोजकता यहीं पर फिनिश करते हैं। मुझे लगता है संयोजकता मोस्टली आपको सबको समझ आ गई होगी इतने में, और अब हम डेली जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तो उसमें आपको ये सब बातें फिर से आएंगी और अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट लिखिए नेचर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइडों का स्वभाव। हाइड्राइडों का स्वभाव, बच्चों दो प्रकार के हाइड्राइड हो सकते हैं, अम्लीय भी हो सकते हैं और क्षारीय भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात समझना, बच्चों ये पॉइंट बिल्कुल परमानेंटली याद कर लो, धातुओं के हाइड्राइड कैसे होते हैं और अधातुओं के कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये हाइड्राइड, फिर से सुनना, ये ऑक्साइड नहीं है, ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्या लिखे हैं? हाँ नहीं तो तुमको सब एक जैसे दिखे। स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन करता है, बोले सर ऑक्साइड में तो ये लिखा है। अरे तो ऑक्साइड अलग है, हाइड्रोक्साइड अलग है, हाइड्राइड अलग है, क्लोराइड अलग है, सल्फेट अलग है, नाइट्रेट अलग है, सब है अलग है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? धातुओं के हाइड्राइड कैसे हैं और अधातुओं के? अच्छा ये बताओ धातु गुण कैसे होता है, बढ़ता है घटता है नीचे जाने पर? याद करो, चलो अपन वापस फिर से लिखते हैं। इधर देखो समूह, अभी हटा दूं ये वाला? अच्छा अभी लिखा रहे, समूह बन ले लिया। फर्स्ट समूह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीलियम। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, नीचे जाने पर क्या होता है जल्दी बोलो, आकार। और आकार बढ़ने से कौन सा गुण बढ़ता है बोलो? धात्विक गुण बढ़ता है। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा धात्विक गुण किस में? समझ आ गया? तो बच्चों फिर से लिखना है, ऐसे ऐसे ही पढ़ना चाहिए, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो धातु धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ेगा तो हाइड्राइडों की क्षारीयता भी। बस ध्यान दो, जब लिखना बंद करो, LiH, NaH, KH, RBH, CH। अरे बच्चों आकार बढ़ रहा है, सबसे बड़ा आकार इसका हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी जल्दी बोलो? है समझ आ गई? तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ, ये नीचे जाने पर बंद लंबाई, बढ़ती है। अच्छा बंद लंबाई बढ़ती है तो बंद ऊर्जा, जल्दी बोलो। अरे बंद लंबाई बढ़ेगी तो बंद ऊर्जा, ये देखो अगर इसको तोड़ना है मुझे तो बहुत मेहनत लगेगी, और इसको तोड़ना, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई,
ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, ये बॉन्ड लेंथ कम है, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना, समझ आ गया। तो जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध ऊर्जा बोलो घटती है। अब क्वेश्चन ये आपको पूछा गया इन चारों में, 1, 2, 3, 4 में सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा किसकी, तो आंसर दो। ये क्वेश्चन नीट में आया LIH का, ठीक, अगर पेपर सॉल्व किया हो तो मिल जाएगा। फिर यहां से नीचे जाने पर जब बंध ऊर्जा घट गई तो सबसे ज्यादा जल्दी कौन टूट जाएगा और सबसे देरी से कौन टूटेगा, समझ आ गया। तो स्थायित्व बोलो, ये ज्यादा स्थायी होगा कि ये ज्यादा, ये जल्दी टूटेगा कि ये जल्दी टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा, जो जल्दी टूटेगा ना भाई वो क्या हो गया, कम स्थायी, और जो देरी से टूटा वो क्या हो गया, तो ये ज्यादा स्थायी, ये कम स्थायी। तो मैंने क्या लिख दिया बोलो, तो तीनों प्रॉपर्टी एक ही बार में समझ में आ गई। तो आपको स्थायित्व का प्रश्न, जब आप प्रश्न सॉल्व करोगे तो स्थायित्व का ऑर्डर पूछा है, तो स्थायित्व में सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, तो कैसे याद रखोगे। फिर जिसकी बंध ऊर्जा कम उसका स्थायित्व तो घट जाएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। फिर आगे बढ़ो, अब बताओ धात्विक गुण सबसे ज्यादा किसमें और धातुओं के हाइड्राइड कैसे हैं। इसमें भी धातु गुण है, ये भी क्षारी है, ये भी क्षारी, ये भी क्षारी, ये भी क्षारी, ये भी क्षारी, सब है। जरा सोचो सबके नंबर 100 में 90 से ऊपर हो तो सबको डिस्टिंक्शन है, बात समझ आ रही है। सबके नंबर 100 से ऊपर है तो सभी को क्या है, डिस्टिंक्शन है। ये सबको डिस्टिंक्शन मिल गया है, काय में तब, लेकिन यदि इसको 90, इसको 91, 92, 93, 94, 95 सबसे ज्यादा नंबर किसको, क्योंकि धात्विक गुण सबसे ज्यादा किसमें है, समझ आ गया। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्षारीयता बढ़ती, ठीक है। विद्या समझ में आ गई क्या है, धातुओं के हाइड्राइड क्षारीय होते हैं, ये विद्या है, धातुओं के हाइड्राइड क्षारीय होते हैं, और जो जितना धात्विक गुण वाला होगा वो उतना ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। अब बताओ सबसे ज्यादा धात्विक गुण तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ऐसे इसको तैयार करना है। इस साल आपको आगे आया मैं बताऊंगा अभी, लिख लिया सबने ये। अब एक प्रॉपर्टी और समझना जो यहां की नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं लिखा यहां पे देता हूं ताकि बच्चे एक बार पढ़ें तो उन्हें वो प्रॉपर्टी भी आ जाए, वो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अपचायक गुण। अपचायक गुण बढ़ता है, जल्दी ये टूट जाएगा बच्चों, तो जल्दी अपचयित करेगा किसी को भी, तो यहां का नहीं है, बस आप इसको लिख लेना, अपन आगे पढ़ेंगे अपचायक में, रिडॉक्स वाले चैप्टर में, तो मैं वहां पे दोबारा समझाऊंगा, लेकिन
आप लिख लीजिए अपचायक गुण बढ़ता क्यों बढ़ता है। बंद ऊर्जा घटती है, जल्दी टूट जाएगा, ये जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी हाइड्राइड आयन दे देगा, हाइड्राइड आयन जल्दी मिलेंगे तो अपचायन क्षमता बढ़ेगी, अपचायक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसा तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी अभी समझ में नहीं आएगी पर लिख लेना है, अपचायक गुण बढ़ता है। ठीक है चलो। अच्छा अगर मान लो मैं ग्रुप देता आपको ये वाला, ध्यान से सुनना, बताओ तब भी तो यही होगा। अरे नीचे जाने पर क्या होता बताओ, और तो जब यहां पर तुम बनाओगे अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है, देखो समझ आ गया, बंद ऊर्जा समझ आ गया, स्थायित्व समझ आ गया, घटता है तो स्थायित्व, ये सबसे ज्यादा स्थायी, ये सबसे कम स्थायी, और क्षारीयता, बोलो क्षारीयता, क्योंकि धातु कैसे है, धातु कैसे होते हैं क्षारीय स्वभाव के, तो हाइड्राइड कैसे हो जाएंगे, आ गया समझ। देखो कोई चीज चेंज की मैंने यहाँ से आता कुछ नहीं, केवल ये कुर्सी बदल दी, पहले इस कुर्सी पर लिथियम बैठा था, बेरिलियम बिठा दिया। लिखो बच्चों, हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर, लिख डालो इसको फटाफट। बोले यार ये कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, मैं यही विद्या तो समझा रहा हूं, ये कोई चीज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ आपने यहाँ कुर्सी बदल, कुर्सी के ऊपर जो बैठा था उसे बदल दिया है, लिथियम बेरिलियम, लिथियम की जगह आपने यहाँ पर, लिथियम की जगह यहाँ पे आपने बेरिलियम कर दिया, बाकी सारी चीजें से। हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। अब बच्चों लिख लिया सबने, आप लोगों को समझ आ रहा है सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है, नो सर। अब देखिए, अब मैं यहां पर ले रहा हूं सेकंड ग्रुप, ये हो गया, यहां पे सेकंड ग्रुप डाल लेना, मैंने ग्रुप नहीं चेंज किया। अब मैं ले रहा हूं सातवां समूह, क्या तुम मैं मालूम है सातवें समूह में क्या होती, क्या होते हैं बोलो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये देखो मैंने लिख दिया, सबसे छोटा आकार, उससे बड़ा आकार तो बढ़ रहा है, समझ आ गया। लेकिन बच्चों ये हैलोजन है, ये धातु है कि अधातु, जल्दी बताओ है, तो अधातु के हाइड्राइड कैसे होते हैं, सामने देखो, यहां जो आप लिखोगे लिखना बंद करिए और इधर देखिए, HF HCl HBr और HI, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां देखिए क्या है, बंद लंबाई, बंद ऊर्जा, स्थायित्व, तो सारी चीजें ये तीनों वैसी की वैसी नहीं, और अपचायक गुण बोलो, सदा याद रखना पूरी दुनिया में अपचायक गुण नीचे जाने पर बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, सामने देखो ये प्रॉब्लम को समझो, ये क्या ये अम्लीय है कि क्षारीय है, जल्दी बताओ, तो यहाँ पे क्षारीयता की बात नहीं होगी, अब बच्चों सिर्फ यहाँ पर अम्लीयता की बात होगी,
अम्लीयता भी बढ़ती है, बहुत गुस्सा आएगी, बोले सर अम्लीयता भी बढ़ती है, हाँ अम्लीयता भी बढ़ती है, और यदि क्षारी हाइड्राइड हो तो क्षारीयता भी बढ़ती है, तो दोनों अम्लीयता बढ़ती है, यानी सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है HI, उससे कम अम्ली, उससे कम अम्ली, और सबसे कम अम्ली, तो अम्लीयता इस साल आपको यही आया है, अम्लीयता क्रम HF से ज्यादा, HCl से ज्यादा, HBr से ज्यादा, HI, देखिए ये नीचे जाने पर, ये अपन जो लिख रहे हैं ना, ये नीचे जाने पर, ये तीर लगाए ना एरो, उसका मतलब नहीं तो आप बोलो क्या बढ़ती है क्या घटती है, नीचे जाने पर क्या पढ़ रही है बेटा अम्लीयता, इस साल का क्वेश्चन है आपको, और के माने वियोजन स्थिरांक, जिसका वियोजन स्थिरांक बताओ जल्दी कौन टूटेगा, अरे ये सामने रखा जल्दी कौन टूटेगा, तो वियोजन स्थिरांक बढ़ता है, नीचे जाने पर वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक को बोलते हैं के, ये बढ़ता है, वियोजन स्थिरांक के बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ती है का मतलब क्या बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ती है का मतलब क्या बढ़ता है, वियोजन स्थिरांक जिसे आप क्या बोलते हो के ए, और अच्छे से लिख देता हूं के ए, ये के ए बढ़ता है बच्चों, सबसे ज्यादा के ए किसका HI का, क्यों बंद लंबाई बढ़ती है, बंद ऊर्जा घटती है, स्थायित्व को घटता है, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटना माने वियोजित हो गया, अरे जल्दी वियोजित हो गया तो जल्दी वियोजित हुआ तो क्यों जल्दी, क्योंकि के बढ़ा, इसका के सबसे ज्यादा, और के और पीके का रिलेशन यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेकिन पॉइंट याद करना है, हम कंपटीशन दे रहे हैं, ये याद कर लीजिए पीके ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए, ये पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यदि पीके ए, यदि के बढ़ता है नीचे जाने पर, नीचे जाने पर बात कर रहे हो, नीचे जाने पर बच्चों के बढ़ता है तो पीके क्या होना चाहिए, बोलो घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इस साल यही आया है बच्चों, ये इस साल 2021 में यही आया है, समझ आ गया, तो जरा बुद्धि से काम करना होता है, जब अपन कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो बुद्धि से काम करना होता है, ठीक है, नहीं तो तुम मुझसे कह के बैठ जाओ सर ये तो यहाँ पे है ही नहीं और आपने ये पढ़ा दिया, तो क्योंकि आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बच्चों, और कंपटीशन के लिए तो सब कुछ जायज है पढ़ना, सब कुछ जायज है, ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है, पर मैंने आपको यहाँ भी पढ़ा दिया, आयनिक में भी मैं पढ़ाऊंगा दोबारा, पूरा दोबारा आयनिक में एक बार फिर से बोलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो यहाँ पर इतनी बातें सबको समझ आ गई होंगी, पर इसमें हो सकता है प्रॉब्लम आए तो आप इसको अभी ऐसे करके लिख के और याद कर लेंगे, तोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में सब कुछ जायज है, कंपटीशन का मतलब जंग, और जंग में सब कुछ जायज होता है भैया, ठीक है, बस जीतना ही एक की जंग जीतना ही अंतिम उद्देश्य होता है, और उसको जीतने के लिए सब कुछ जायज है, तो हमारी जंग है नीट, ठीक है, और रखना एक्सेप्शन हो तो अलग से लिख के रखना, फार्मूले हो तो समझना, डेरिवेशन समझना, सब कुछ जायज है, और यहाँ कोर्स में एकदम नहीं हो और पढ़ा दिया तो वो भी जायज है, क्योंकि जंग में सब कुछ जायज है, ठीक है, विद्या सीख लो, इस साल का ये भी आया है और इस साल ये भी आया है पीके का, क्वेश्चन देख लीजिएगा नीट में, पेपर डाल दिया यूट्यूब पर, ना बार बार इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है, कि तुमको याद ही नहीं रहता, बोले क्या देखना है यार, कहाँ देखे, अरे तो यूट्यूब पे देख लो भाई, मैंने तो पेज नंबर के साथ डाले हुए हैं, देख लो के का क्वेश्चन आया पीके का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात, अच्छा जरा सोचो क्या मैंने ये बदला, कुछ भी नहीं बदला,
कुर्सी भी वही है, केवल बिठाल दूसरे दिए हैं, अभी लिथियम बैठा था, फ्लोरीन बैठी है, समझ गए। ऐसे याद करने का तरीका बनाना चाहिए और इसी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हमसे गलतियां ना हो। मैं फिर से वही लिखता हूँ, देखो सब लिखता हूँ, आप भी ऐसा लिखें और समझ। यहाँ पे उल्टा कर देना, धातु नहीं तो धात्विक गुण बढ़ता है, यहाँ पर यहाँ भी धात्विक गुण बढ़ेगा, पर यहाँ पर अम्लीयता बढ़ने का कारण केवल ये नहीं है धात्विक गुण बढ़ना, समझे। यहाँ अम्लीयता बढ़ने का कारण धात्विक गुण नहीं है बढ़ना, ठीक है। इसमें दूसरे कारण और जुड़ते हैं, नहीं तो तुम केवल इसी को जोड़ दो, इससे नहीं जुड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ धात्विक गुण पूछे तो सबसे ज्यादा इसी में है, लेकिन अम्लीयता पूछे तो सबसे ज्यादा इसमें है। इसका कारण मैं समझा देता हूँ, फिर मतलब ये मत बोलना कि सर ये फिर यहाँ से अलग क्या आ गया ये, ठीक है। तो कंफ्यूजन सही है, पर इसका कारण केवल ये नहीं है। एक तो ये है बंद ऊर्जा घटती है, बंद लंबाई बढ़ती है तो बंद ऊर्जा घटती है तो जल्दी टूटेगा, है तो यही। इससे क्या जल्दी टूटेगा तो क्या बढ़ेगा, बोलो, वियोजन स्थिरांक। और वियोजन स्थिरांक का बढ़ना माने किसका बढ़ना, के का ही नाम है वियोजन स्थिरांक, तो किसका घटना, समझ आ गया, पीके का घटना, ये पहले याद कर लो। अब आपको मैं बता देता हूं कि ये भाई एच आई ज्यादा अम्लीय क्यों हो जाता है। अब देखो इधर एच आई प्रबल अम्ल होता है, पर ये सब अम्लीय माध्यम जो अपन देखते हैं, जो अम्लीय रूप देखते हैं, अम्लता देखते हैं, ये जलीय माध्यम में देखते हैं। किसमें देखते हैं, जलीय माध्यम। ये देखो एच एफ लिया, ये टूटा एच आयन में और एफ आयन में, एफ आयन का आकार छोटा है, एच आई लिया और एच आई एन और आई आई एन में टूट गया। जरा देखो आई आई एन का आकार बड़ा है या आई आई एन का आकार बड़ा है, ध्यान से सुनना। एच आई एन जो देते हैं, जो एच आई एन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बोलो, अम्ल। परिभाषा है एच आई एन देने वाले अम्ल कहलाते हैं। देखो बच्चों, एच आयन देने वाले, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अच्छा दिमाग चला उसका कि यार ये कैसे हो रहा है। तो एच आयन देने वाले क्या कहलाते हैं, सब जानते हैं ना, ये तो दुनिया जानती है। H2SO4 एच आयन देता अम्ल, HCl एच आयन देता अम्ल, ठीक है, एच आयन देता अम्ल कहलाता है, ये एच आयन दे दिया। अब ये एच आयन निकल गया, बोले सर इसमें और इसमें तो सेम ही दिख रहा है, नहीं, ये एच आयन जल्दी नहीं छोड़ेगा, ये एच आयन जल्दी छोड़ देगा। क्यों जल्दी छोड़ देगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा जगह में फैला है, ये देखो घनत्व कम है, माइनस वन दिख रहा है और इस पर भी माइनस वन, बट ये ज्यादा एरिया में फैला है, तो आई का जो निगेटिव चार्ज घनत्व है वो क्या हो गया, बहुत कम। जब वो निगेटिव चार्ज घनत्व बहुत कम हो गया, निगेटिव चार्ज घनत्व बहुत कम हो गया, समझ रहे हो, नेगेटिव चार्ज घनत्व बहुत कम हो गया, तो इसको वो खींचेगा नहीं, रिएक्शन वापस कम जाएगी, और इसमें इस पर नेगेटिव चार्ज, छोटी सी जगह है, ये छोटी सी जगह में ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, माने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का घनत्व क्या है, ज्यादा है, ऋणात्मक ऋणावेश घनत्व अधिक है। और बच्चों ऋणावेश घनत्व अधिक है तो ये खींच लिया इसने, ये खींच लिया तो ये वापस चला गया,
तो ये ज्यादा वापस जाएगा, ये कम वापस जाएगा, कम वापस जाएगा तो ज्यादा एच आयन देगा, ज्यादा एच आयन देगा तो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। समझ गए? ये आकार का बड़े होने से ऋणावेश घनत्व कम हो जाता है। हर चीज को समझना बहुत कठिन मामला होता है भाई। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख लो, बट डरना नहीं कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। डरना मतलब कि परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं लाना, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ने के साथ साथ आपको मैंने कई प्रॉपर्टी की स्टडी करा दी, वो इसलिए कि यही कंपटीशन का सिद्धांत है और कंपटीशन में सब कुछ जायज है। रट लेना नहीं समझ आता तो, नहीं समझ आए कई बार तो फिर रट भी लेना चाहिए कि ठीक है मत आ, हम रट ले रहे हैं। हुआ कि नहीं बच्चों, क्लियर ये पॉइंट आपको? तो इतने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पॉइंट को समझते जाओगे तो लगभग लगभग आपको भाई जैसे मान लो 90% चीज समझ में आ गई, 10% नहीं आई मान लो, तो उसे याद भी कर लिया करें, अच्छे से लिख के उसे याद कर, ठीक है। तो अब ये होता है इसका कारण, ये आकार बड़ा है, ये आकार बड़ा है तो ज्यादा जगह रख लेगा। अब जैसे ठीक है खली का आकार बड़ा है तो वो एक कुंटल बोरा आराम से ऐसा रख लेगा अपनी पीठ पे, मेरा आकार छोटा भैया पीठ पे मैं 20 किलो वजन ढो पाऊंगा, वो 1 किलो 1 कुंटल ढो देगा। तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज ज्यादा जगह में फैल जाता है और उससे क्या होता है बोलो, घनत्व तो कम हो जाता है, और घनत्व तो कम हो जाता है तो एच आयन खिंचता नहीं, एच आयन खिंचता नहीं तो वापस कम जाता है, इस तरफ ज्यादा जाता है एच आयन ज्यादा मिलता है, इसमें इस तरफ ज्यादा जाता है एच आयन कम मिलता है। जो एच आयन ज्यादा देता है वो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल। जो एच आयन कम देता है वो क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल। और बच्चों CH4 जो है ना, CH4 ये एच आयन देता ही नहीं, मतलब इस तरफ जाने वाली रिएक्शन होती ही नहीं। तो तुमने कभी सुना है कि CH4 को हम अम्ल बोलते हैं, मैथेन अम्ल बोले कभी अपन? नहीं, नहीं बोला। लेकिन एच एफ को क्या बोला, अम्ल। क्या नाम है एच एफ का पता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HBr का हाइड्रोब्रोमिक एसिड, नाम में भी अम्ल लगा हुआ है। अच्छा पानी, पानी के आगे तुमने बोला कि पानिक एसिड, ऐसा बोला कुछ नहीं, मतलब पानी में अम्लता और क्षारीयता बराबर है, साथ साथ pH साथ pOH भी साथ, समझे कि नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें बच्चों ध्यान में रखना पड़ती है, मतलब ये कोई पढ़ाने की चीज नहीं है, ये अपने आप से आपको आनी चाहिए।
चलिए अब बात आती है ऊपर से नीचे आने ग्रुप में। मैंने सारी प्रॉपर्टी समझा दी, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और इस साल का पेपर भी देख लीजिए कि आपको पीके वाला क्वेश्चन आया है आपको और अम्लता वाला क्वेश्चन आया है, ये दोनों आए काफी इंपॉर्टेंट। अब इधर देखो आवर्त में आप दिमाग लगाओ, नाम ही नाम, कभी कभी नाम से काम बन जाता है, कभी कभी नाम से काम बन जाता है, ठीक है। ऐसे आपका नाम बोलो क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। लेकिन तुम पानी को पानिक अम्ल नहीं बोलते, आज ही नहीं समझ रहे, अरे नहीं वो समझने वाली बात है। और CH4 को तुम बोलते हो मैथेन, अमोनिया, अमोनिया का स्वभाव तुम जानते हो क्षारकीय होता है, वो अलग कारण है, ठीक है। और इसे बोलते हो, इसका नाम बोलो क्या है, यार नाम की महिमा बहुत ज्यादा है, ठीक है, नाम की महिमा। लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, लिथियम पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव, NaCl में कैसा बंद होता है बताइए, बोलो NaCl में कैसा बंद होता है, आयनिक, समझ गए। NaH में कैसा बंद होगा, आयनिक, ये देखो धनायन ये ऋणायन, आयन है धनायन ऋणायन, ये आयनिक बंद है बच्चों। और हाइड्रोजन पर आवेश बोलो कैसा है, अरे जब ये LiH टूटेगा तो क्या मिलेगा, अरे बोलो क्या मिलेगा, और HF टूटेगा तो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से, इसमें किस हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है, अरे इसमें हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है और इसमें हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज, कुछ अंतर नजर आ रहा है, है? क्या अंतर नजर आ रहा है, प्लस इस पर H प्लस है बच्चों, और ये जब H प्लस देगा तो क्या कहलाएगा, और ये H माइनस देगा तो क्या कहलाएगा, समझ आ गया, चार ये बच्चों क्षार है, ये क्षार है, इसी के कारण तो ये क्षारी है, समझ गए। ये बताओ ये पेन है, ये पेन है, किसके कारण पेन है, इसके कारण पेन है, ये इसको हटा दो तो ये कोने में पड़ा रहेगा फिर, समझ गए। तो ये जो एच आयन है इसके कारण ये क्या है, बोलो हम, और ये एच निगेटिव आयन इसके कारण ये भाई क्या है, ये भाई को क्या बोल रहे हो, क्षार, ठीक है, आ गया समझ की नहीं। तो बच्चों ये क्षारी है और धीरे धीरे इधर से इधर जाने पर क्षारीयता कम होते जाएगी, ये तो प्योर क्या बन गया, क्या बन गया, ये अब समझ आ गया। तो बच्चों इधर से इधर जाने पर क्या होती है, क्षारीयता कम होती है, अम्लीयता बढ़ते जाती है, ठीक है। तो समझना आपको आसान हुआ क्वेश्चनों को,
ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ये देखो ठीक है, सी एच फोर की अम्लीयता सबसे कम, उससे ज्यादा बेटा अमोनिया, उससे ज्यादा एच टू, उससे ज्यादा एच एफ। बोले सर हम तो जान पहले लिख लो, फिर तुमको कंफ्यूज करेंगे और फिर कंफ्यूजन दूर करेंगे। अम्लीयता का बढ़ता क्रम CH4 NH3 H2O HF, इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। आया समझ में? बोले सर CH4 तो आप बोल रहे थे अम्ली नहीं है। यार बच्चों ये बताओ, किसी स्टूडेंट, ये क्लास इतनी बड़ी है, इस क्लास में किसी स्टूडेंट को 100 में से 0 नंबर मिला, किसी को मान लो 0 मिला, तो इसका मतलब मिला तो ना, क्या मिला समझ गए? तो इसको अम्लीयता में 0 नंबर है, इसको थोड़ा ज्यादा अम्लीयता में, ठीक है, इसको और ज्यादा, और इसको सबसे ज्यादा। तुम जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो नंबर पर ध्यान दे देना, क्या किसी को 0 नंबर भी तो मिल सकता है? माने अम्लीयता क्षारीयता, ना ये अम्लीय होता ना क्षारीय, तो मेथेन है, ना ये एच आयन देता ना एच माइनस आयन देता, समझ गए? बात समझे कि नहीं? तुमने कभी मैथेन से ये नहीं सुना कि उसने एच आयन दिया, ना तुमने कभी मैथेन से ये सुना कि उसने एच निगेटिव आयन दिया, ना ओ एच आयन दिया, ठीक है? पर एच एफ से तो तुमने सुना है कि एच आयन दे रहा है वो, और एच आयन में कौन सा एच प्लस आयन, इसलिए अम्लीय है ये, और एल आई एच एच निगेटिव आयन देता इसलिए क्षारीय है। अच्छे से बात को समझ में आया कि नहीं आया? सब अच्छे समझ में आ गया? तो आज के भी जो नीट में क्वेश्चन आए, ये वाला भी आया है, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं और बहुत साधारण प्रश्न है, आपसे सबसे बन जाएंगे। अब मुझे बताना, इधर देखो, ये आपको आया इस साल अभी H2O H2S H2SE H2P, जल्दी बताओ, शुरू से बोलो, बंद लंबाई, बंद लंबाई है पक्का बढ़ती है, ये सबसे कम बंद लंबाई, और ज्यादा और सबसे ज्यादा, तो बंद लंबाई बढ़ती है तो बंद ऊर्जा बोलो, सर वीडियो रुक गया है, सर वीडियो रुक गया, सर वीडियो रुक गया है, वीडियो उठा।